चल रही है यहाँ पे आज की पूजा की तैयारी। दिवाली पूजन के फोर्थ डे है आज, चौथा दिन। एंड आज अन्नकूट पूजन है एंड गोवर्धन पूजन है, जो कि कृष्ण भगवान जी को भोग चढ़ाया जाता है आज। तो इसी की तैयारी में लगी हूँ। मैं आज की पूजा की शुरुआत कर रही हूँ गणपति जी को धूप दीप दिखाकर, क्योंकि हर पूजा से पहले गणपति जी की पूजा आराधना कर लेना चाहिए, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। एंड आज का दिवाली का फोर्थ डे की पूजा भी शुरुआत हो चुकी है मेरे घर में, हमारे घर में। तो यही कृष्ण भगवान जी गोवर्धन पूजन। तो आज के दिन ऐसा मान्यता है कि माइथोलॉजी में भी है इसके रचना की, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाए थे बारिश और क्या बोलते हैं उसको, डिजास्टर से बचाने के लिए गांव वालों को। एंड अच्छे से पूजा संपन्न हो गया मेरी जो गोवर्धन पूजा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। हालांकि सबको खुशियाँ मिलती है पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए तो। यह है षोडश मातृका पूजन एंड परमात्मा महादेव जी एंड महाकाली माता कालिका के पूजन आज भी हुए हैं हमारे घर में। Hi everyone, good morning and happy Annakoot Puja and Govardhan Puja to all of you. Diwali ki aaj fourth day hai, yani ki chautha din. Kal Diwali khatam hone wali hai Bhai Dooj ke saath and main apni puja khatam karke aayi hu subah ki, raat ki puja baki hai. To abhi main karungi breakfast, uske baad kya karungi, लंच भी बन चुका है, पापा को भी ब्रेकफास्ट दे दिया गया है एंड घर के साफ सफाई, झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब हो चुका है। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10 और सारे काम ख़त्म, शाम तक के सारे काम ख़त्म। तो अभी मैं क्या करूँ, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा गेम खेलूंगी और फिर नींद आए तो सो जाऊंगी, फिर शाम को पूजा देनी है। सो तब तक के लिए बाय बाय। सो ये है मेरी आज की लुक। बाय बाय, मिलते हैं फिर से। कज़न भाई सुबह कुछ काम से आया था, तो उसको लेकर मैं अभी यहाँ पासी में एक काली माता के जो पूजन हो रहे थे वहाँ पे आ गई हूँ। और धूप दीप दिखाकर नमन करके मैं वापस घर चले जाऊँगी और भाई चले जाएंगे अपने घर। तो कई कई जगह पे आज देवी माँ के, मतलब कि काली माँ के मूर्ति विसर्जन हो चुके हैं, तो यहाँ नहीं हुए हैं। आज भी पूजन हो रही है। Thank you.
डिनर में बनाया जाएगा हिलशा फिश यानी कि एलिश माछ। तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, बर्फ़ बन गया है, तो अब इसको पानी में ऐसे भिगो के रख दूँगी, फिर ये अलग हो जाएगा, मतलब बर्फ़ गल जाएगा तो फिर मछली तो अलग होना ही है। एंड मैं चाय बना लेती हूँ अभी पापा एंड मेरे लिए, फिर चाय पीने के बाद दूध भी गर्म करनी है, फिर पूजा पे बैठनी है, फिर पापा को भी दोबारा से दूध गर्म करके देनी है। एंड उबाल आना स्टार्ट हो गया है। आओ गिर, मेरी बात नहीं सुनी, गिर ही गया दूध। मैंने बोला था मत गिरो, फिर भी गिर गया। फ्लेम लो भी कर दी थी, फिर भी गिर गया, क्या करूँ अब। तो आज बनेगा ब्रिंजल के साथ हिलशा फिश, तो अब मैं ये बना लेती हूँ। चावल बन चुका है। ये दोपहर को बनाया गया था फर्मेंटेड फिश के साथ कोरिएंडर लीव्स का जो सलाद है, ये अभी तक है थोड़ा सा। और ये है बिटर गॉर्ड एंड उलुवा ड्राई फिश सूप जो कि अभी तक है। एंड ये बिटर का जो बिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अच्छा याद में आएगा तब बोलूँगी। करवा करवा चीज़ें पापा रात को नहीं खाते, तो ये सिर्फ मैं खाऊंगी और ये सलाद पापा खा लेंगे। और साथ ही हम लोग के है आज हिलशा फिश विद ब्रिंजल। हिलशा फिश मतलब कि इलिश माछ एंड ब्रिंजल का करी बन चुका है। तो डिनर बनाना ख़त्म, देन अभी मैं बैठूँगी शाम की पूजा में। तो मेन जो एंट्रेंस है घर के, यहाँ मैंने दीपदान कर दी है। दिवाली के चौथे दिन है और कल भाई दूज के साथ दिवाली ख़त्म होने वाले हैं, तो कल फिफ्थ डे होगी, तो आज फिर से लक्ष्मी पूजन होगी, तो इसलिए मैंने लक्ष्मी पादुका बनाई है आज भी। और बाहर मैंने दीपदान कर दिया है दीप पूजन करने के बाद, और यहाँ पे मतलब प्रकृति माता के लिए रखा गया है दीप एंड वही। और यहाँ पे जो है मेन दीप रखा गया है, जो अभी लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती माता के पूजन हो रही है, तो ये अन्नकूट पूजन होगी अभी। नहा धोकर पूजा दे आई हो, आरती बाकी है अभी। और कुछ कपड़े धुले थे फिर से, सुबह भी धुले थे दोपहर को भी धुले थे, वो सूख गया है सारा, तो थोड़ा सा और कपड़ा मैंने अभी वॉश कर दिया है, तो अभी मैं वही सुखाने जा रही हूँ। उसके बाद आकर आरती करूँगी। और फिर कुछ देर बाद 10 बजे तक या 10:30 बजे तक डिनर कर लूँगी। बस ये है कपड़े जो कि मैं अभी बाहर रख कर आती हूँ। तो कपड़ा इतना ही धुले हैं आज, तो सुखा दिया गया है अभी। तो यहाँ सुबह धूप भी आते हैं तो ये अच्छे से धूप में भी सूख जाएगा। साड़ी पुराना साड़ी है, इसका मैंने एक लहंगा टाइप का कुछ बना लिया है, स्कर्ट टाइप का। और ये वाला हिस्सा दुपट्टा है, तो ऊपर और एक लेयर दे दी मैंने। और ये ब्लाउज, ये बहुत ही पुराना एक ब्लाउज है, मैं जब कॉलेज में थी तब की है। और अभी थोड़ा वेट लॉस कर लिया है तो अभी फिट आ रही है, और पहले तो टाइट लगता था, पहन नहीं पाती थी, तो अभी फिर से मैंने रीयूज कर लिया है। अब जाती हूँ मैं आरती के लिए, फिर मिलते हैं आरती के बाद। ये खाना
परोस चुका है, अब होगी डिनर। ये है कोरिएंडर लिप्स एंड फर्मेंटेड फिश की जो चटनी नहीं सलाद। ये है हिलशाइन ब्रिंजल करी और राइस, और पापा की भी है राइस एंड वही सलाद कोरिएंडर लिप्स की। एंड ये है मटन और ये है फिश एंड ब्रिंजल करी। तो अब मैं और पापा करेंगे डिनर। नींबू काटना भूल गई, पापा को नींबू चाहिए, मुझे भी चाहिए नींबू। पहले ही इसको कट करती हूँ, ये जल्दी जल्दी ख़राब होगा, ये ग्रीन वाला देरी से ख़राब होगा, तो इसको कट कर लेती हूँ। सब काम काज ख़त्म, पूजा आरती सारे सब ख़त्म, तो अभी सबसे बड़ा काम है खाना खाना, मतलब कि डिनर। तो अभी मैं और पापा डिनर करूँगी। ऑलरेडी 10:30 हो चुका है रात के, एंड रात को ही तो डिनर करते हैं। हा 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 है, ओके फॉरगेट इट। एंड तो फिर मैं यही अपनी ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं, और फिर टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।